करनाल के पंचायत भवन में आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं दो मामलों में मंत्री ने एडीसी और एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। इस दौरान दिल्ली चुनावों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर केजरीवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस चुनावों में केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश होगा और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। आने वाले हरियाणा बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा की कई योजनाओं को पूरा कर लिया गया है और बच्चों को पहली से बारहवीं तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कोई बच्चा स्कूल में जमीन पर नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल फर्नीचर के लिए 260 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इस सेशन के बाद कोई स्कूल बिना अध्यापक के नहीं रहेगा। एक सवाल के जवाब में कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि अगर लोग संख्या बढ़ाने का प्रयास करें तो कम संख्या वाले स्कूलों पर दोबारा विचार करेंगे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। 14 एप्लीकेशन थी और लगभग सभी का जो मामले हैं वो सॉल्व कर दिए। कुछ एक दो मामला ऐसा आया जिसमें इंक्वायरी के लिए हमने एडीसी को और एक को एसडीएम को दिया, तो उसमें जल्दी वो फैसला करा देंगे। दिल्ली में चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार केजरीवाल का रहा कि हमेशा जब भी जो भी राष्ट्र विरोधी लोग थे हमेशा उनका उसने गुणगान किया, उनका स्वागत किया, और जब भी कहीं देश के स्वाभिमान की और देश की ने कोई उपलब्धि प्राप्त की तो उसकी हमेशा उसने आलोचना की, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक था चाहे दूसरा कोई था। और अगर कहीं कुछ करने के लिए आया तो उसने जो निर्भया कांड में जो दोषी थे उनको सम्मानित करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि भाई जो दिल्ली प्रदेश की जनता है वो उन बातों को सारियों को भूली नहीं है। अभी जो सीएए के मामले में जिस प्रकार का व्यवहार उसने किया और झूठ पकाने का काम किया, गुमराह करने का काम किया लोगों को, तो आज सारा समाज इस बात को समझता है कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। खाली देने देने का लेना तो है ही नहीं किसी में, तो कुछ भी अरब मुसलमानों के या किसी के खिलाफ तो है ही नहीं। वो तो खाली वो है कि जो लोग प्रताड़ित थे पाकिस्तान में, जिनका अपमान हो रहा था, जिनका धर्म सुरक्षित था, जिनकी इज्जत सुरक्षित थी, वो बेचारे 2014 से पहले जो आए हैं केवल उनको देने का काम किया सरकार ने। लेकिन जिस प्रकार से शाहीन बाग में लोगों को बैठाया गया सारा उसने किया, तो आम जो जनता है वो सारी उसके कृत्य को समझती है और निश्चित तौर से वो उसके खिलाफ वोट देंगे। देखिए मुझे पूरा यकीन है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। जो गोली चली थी उसके पिताजी का कहना है कि हम तो बीजेपी के भक्त हैं। नहीं देखिए, चाहे कोई बीजेपी का भक्त हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कुछ हो, लेकिन कानून को जो भी तोड़ेगा ना जी, उसको तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, चाहे वो स्वयं भी कोई पदाधिकारी भी हो, तो सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। कानून तोड़ने का राइट किसी को भी नहीं है। सर, बजट आ रहा है हरियाणा का, शिक्षा को लेकर क्या समझते हैं, क्या बातें आप रखेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हरियाणा को आगे लेकर जाया जाए? देखिए, अब की बार हमने काफी कुछ अब से पहले कर लिया, जैसे फर्नीचर वगैरह की दिक्कत थी जहाँ, उसके लिए हमने 207 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। बच्चों को जो फ्री बुक्स देने की थी, अब हमने पहली से लेकर बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा और उसके लिए बुक्स भी हम फ्री देंगे। तो ऐसे ऐसे और भी हम देखिए, उस पर एक फैसला आया था कि जिन स्कूलों में 25 से कम बच्चे हैं वो चलाना संभव नहीं है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं आसपास के गांव में। अब पहले एक टारगेट रखा कि सारी जगह स्कूल होंगे, तो कई जगह तो एक ही गांव में 2 हैं 3 भी हैं और आसपास भी हैं, 2 गांव के नाम ही अलग हैं, खाली गांव दोनों मिले हैं। तो इस प्रकार से बच्चे ही जब वहाँ पूरे तक कैसे चलाएंगे, तो वो हमने एक विचार किया था। लेकिन अभी हमें कुछ लोग मिले जो टीचर थे, उन्होंने हमें कहा कि हम प्रयास करते हैं, तो अगर वो प्रयास करके संख्या बढ़ाते हैं तो हम उनको चलाएंगे, नहीं तो फिर साथ में एडजस्ट करेंगे। करनाल में एक गांव ऐसा भी है जिसमें टीचर ही नहीं है। देखिए, अब की बार इस सेशन के बाद हम हमारा प्रयास ये रहेगा कोई भी स्कूल एक भी ऐसा नहीं रहेगा जहां टीचर की मतलब इस प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी। हम कोई भी व्यवस्था करेंगे लेकिन टीचर पूरे। आज द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था जी, नर्सरी प्री नर्सरी और यूकेजी एलकेजी बंद कर डायरेक्ट जो है फर्स्ट क्लास में, और उसमें इस प्रकार का एक कुछ मामला है तो उसको वापस लेना पड़ गया। हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि महिला बाल विकास मंत्रालय से आपको परमिशन लेनी पड़ी। हाँ, उसमें कुछ मामला आया था लेकिन उसको हमने वापस ले लिया। बिजली के बिलों की समस्या आज भी खड़ी है, अभी तक पैसा कैसे ट्रेजरी की लास्ट बात करें तो सर 28 तारीख तक तो उसमें इतना JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।